नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 50 रुपीज है उसके आसपास के जो 5 बेस्ट शेयर हैं उसके बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं, सर थोड़े सस्ते शेयर बताइए, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी हमने बताया था, बोला कि ये काफ़ी महंगा है क्योंकि 11,000 से भी ऊपर का शेयर है। तो दोस्तों जो छोटे शेयर हैं वो भी काफ़ी अच्छे सब शेयर हैं, तो इसमें हम छोटे प्राइस वाले जो अच्छे शेयर हैं वो आपको 5 शेयर बता रहे हैं। इसमें से कोई आपको एक या दो जो अच्छा लगता है उसमें है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे छोटे शेयर्स में नहीं लगाना है क्योंकि जो अच्छे शेयर्स होते हैं वो जनरली आपको महंगे प्राइस पर ही मिलेंगे। लेकिन कुछ छोटे शेयर्स जो काफी सस्ते बैलेंस में मिल रहे हैं, अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं जैसे 2-5 साल, तो हो सकता है ये शेयर आगे चलकर एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। तो इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला है टाटा पावर। दोस्तों काफी बेहतरीन शेयर है और यहां पर देखते हैं ये ब्रेकआउट दे रहा है, यहां पर लगातार ये अब ट्रेंड में है और इसका यहां पर देख सकते हैं चार्ट। तो दोस्तों अगर इसका चार्ट देखेंगे 50-day मूविंग एवरेज के भी काफी ऊपर है, 200-day का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर लगातार सपोर्ट ले रहा था। देखते हैं 200-day का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मैं आपको बार बार यूज करने को बोल रहा हूँ कि कभी ये रेसिस्टेंस का काम करता है, प्राइस इसके नीचे हो रेसिस्टेंस का काम, प्राइस जब इसके ऊपर चला जाता है तो ये देखते हैं सपोर्ट का काम करता है। तो 200-day का EMA जो है ये सपोर्ट इस पर कई बार लिया, यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, अब ये ब्रेकआउट देने की स्थिति में है। तो जैसे ब्रेकआउट देता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट का ध्यान रहे, जो मार्केट है हमारा ऑल टाइम हाई पे है, अगर मार्केट में गिरावट आता है, करेक्शन आता है, तो थोड़ा सा नीचे के प्राइस पे भी आपको ये स्टॉक मिल सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आता है, साइडवेज भी रहता है, तो निश्चित ही स्टॉक यहां से अगर ब्रेकआउट देता है तो एक जबरदस्त रैली आपको देखने मिलेगा। RSI देखिएगा, RSI भी देखते हैं काफी मतलब स्लोप जो अप है, मतलब स्लोप काफी ऊपर की ओर है, मतलब प्राइस में काफी मोमेंटम आपको देखने यहां पर मिल सकता है। तो ये था डेली चार्ट पे आपने देखा कि ये लगातार मतलब एक जो है अप ट्रेंड में है स्टॉक। आप चाहे तो वीकली चार्ट, मंथली चार्ट इस पे भी देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहां आप देख लीजिए कि 2018 से ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में था और जब से ये COVID-19 आया इसमें और ज्यादा स्टॉक गिरा, 60 रुपीज से ये स्टॉक 30 रुपीज आ चुका था, मतलब 50% गिर चुका था, और वहां से एक लगातार मोमेंटम दिखाया ऊपर की ओर 60 रुपीज तक, फिर वहां से करेक्शन आया लगभग 50 रुपीज तक, और फिर से ये अपना यहाँ ब्रेकआउट देने पर है, ब्रेकआउट दे चुका है, थोड़ा सा और मोमेंटम बस यहाँ पर देख सकते हैं। वीकली चार्ट पर ये 200-day का जो मूविंग एवरेज है EMA है उसको क्रॉस कर, अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है तो फिर आपको एक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम आगे देखने मिल सकता है। दूसरा है हमारा IDFC, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी हमने पहले भी चर्चा किया था। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूअर होंगे तो इस स्टॉक को मैंने 18 रुपये 20 रुपीज इसके आसपास यहाँ पर मैंने बताया था, और अभी ये स्टॉक देखते हैं कि 41 रुपीज 80 पैसा पर पहुंच चुका है, ये लगभग 45 का हाई लगा चुका था, और 45 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया और यहां से सपोर्ट लेने के बाद 40 रुपीज पर फिर से ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहां पर आप डेली चार्ट पर ये देख रहे हैं, डेली चार्ट पर ये ब्रेकआउट दे चुका है, अगर ये ब्रेकआउट फिर से 45 के ऊपर निकलता है तो एक जबरदस्त रैली यहां आपको देखने मिल सकता है। RSI पर देखिएगा, RSI काफी स्ट्रांग है, काफी ऊपर है। दोस्तों जब इसके डेली चार्ट पर देखिएगा तो ये स्टॉक इतना ज्यादा बुलिश है कि जब ये 50-day के EMA को क्रॉस किया तो 50-day के EMA पे ही सपोर्ट बना लिया, फिर 200-day के EMA को क्रॉस किया तो फिर से ये देख सकते हैं अपना जो 28 रुपीज है वहाँ पर सपोर्ट बनाया, धीरे धीरे ये अपने 50-day के मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेने लगा और यहाँ से फिर से एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, लेकिन टेक्निकली अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम की बात करें तो ये स्टॉक का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, देखते हैं लगातार डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक था, 2017 से ही लगातार डाउन ट्रेंड में था, तो टेक्निकली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, जो IDFC है एक पेरेंट कंपनी है, IDFC म्यूचुअल फंड का, IDFC जो फर्स्ट बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक उसकी पेरेंट कंपनी है और काफी जबरदस्त कंपनी है। IDFC म्यूचुअल फंड तीसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और IDFC फर्स्ट बैंक भी काफी अच्छी है, उसकी पेरेंट कंपनी है, तो जबरदस्त कंपनी है ये। तो दोस्तों जो छोटे स्टॉक होते हैं उसमें प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, तो डीमेरिट यही है कि यह स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में था, काफी सस्ता स्टॉक ये मिल रहा था, यहाँ पर देखते हैं 13 रुपीज प्राइस तक आया था, अगर आप 13 रुपये के प्राइस पर अगर आप इसे बाय करते अभी आपका जो रिटर्न होता, जो
रिटर्न होता समझते हैं 200 टाइम्स से ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी मतलब बेनिफिट्स है कि जब स्टॉक काफ़ी सस्ते मिल रहे हो तो आप उसे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब स्टॉक काफ़ी महंगा हो जाए तो आप उसे सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक कब आप बाय करें, कोई स्टॉक कब सेल करें, एकदम सिंपल लॉजिक के साथ समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। जटिल आपको नहीं लेना है, जटिल वे में लेंगे तो फिर काफ़ी कठिनाई हो जाएगी। सिंपल एक 200 डे मूविंग एवरेज, एक 50 डे मूविंग एवरेज लेना है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो स्टॉक को बाय करना है, इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो उसको सेल करना है। तो सिंपल सा रूल मैंने बताया था। और उसके बाद चौथा स्टॉक जो है फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक भी एक ज़बरदस्त स्टॉक है, इसका करेंट प्राइस देखते हैं 62 रुपीज़ है, और ये भी ब्रेकआउट देने की स्थिति में है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे यहाँ से मतलब आपको 62 रुपीज़ 65 को क्रॉस करता है तो समझिए एक ज़बरदस्त रैली इसमें आपको देखने मिलेगा। तो ये भी ब्रेकआउट देने पर यहाँ देख सकते हैं डेली चार्ट पे एक कैंडल बना चुका है, ज़बरदस्त कैंडल है और ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनाया है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो एक ज़बरदस्त रैली आपको 80 रुपीज़ तक देखने मिल सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला है पाँचवा स्टॉक है वो है करूर विद्या बैंक। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। ये भी स्टॉक देख सकते हैं 200 डे का जो EMA है वहाँ पर ये अब सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसमें आपको नीचे का मतलब गिरावट देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर ब्रेकआउट देता है और 45 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम आपको इसमें देखने मिल सकता है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर आप इन्वेस्ट करना है तो सस्ते वैल्यूएशन का इंतजार कीजिए। यहाँ से अगर नीचे आता है तो नीचे के प्राइस पर आप बाय करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो फिर स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। तो दोस्तों ये बेहतरीन 5 स्टॉक थे जो कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। काफ़ी लोग मतलब कमेंट करते हैं कि जो स्टॉक काफ़ी महंगे हो चुके हैं उसमें हम क्यों इन्वेस्ट करें, कुछ सस्ते स्टॉक बताइए। तो ये 5 अच्छे स्टॉक्स हैं। इसके सिवा और भी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं जिसे आप फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बार बार अपने मतलब चैनल पर बताते रहते हैं जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और देखते रहिए, जैसे जैसे स्टॉक परफॉर्म करता है वैसे वैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो SIP मोड में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चाहे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।